क्या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो सबसे पहले आता है नाउन, उससे लेके कोई परेशानी है? या फिर दुनिया के हर तरीके के नाउन के बारे में आप पूरा जानते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज नाउन और जो कि पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग लर्निंग। एंड इन मेटामॉर्फोसिस वी आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट ऑल द इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ टीचिंग ग्रामर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नागेंद्रास मेटामॉर्फोसिस की ओर से नाउन का एक खास लेसन, जो आपको, मेरा दावा है कि चाहे कितना ही छोटा बच्चा हो या कोई भी एज ग्रुप का हो, या इंग्लिश के बारे में अगर बहुत ज़्यादा जानकारी ना हो, तब भी वो पूरी तरीके से नाउन्स को पूरी तरह समझ सकता है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, जिसमें पहला इस पार्ट ऑफ स्पीच ले रहा हूँ नाउन। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि नाउन में, दुनिया में जितनी तरीके के नाउन और जितनी नॉलेज होती है वो हम सब देंगे, चाहे उसके लिए हमें 2 या 3 पार्ट क्यों ना बनाने पड़े। तो चलते हैं आज कि नाउन कैसे शुरू हुआ। चलिए एक प्रश्न करता हूँ आपसे, आप ये बताइए, अपने आसपास कोई एक ऐसी चीज बता सकते हैं क्या जिसका नाम ना हो? जब आप चारों ओर घूम के देखेंगे और खोजने लगेंगे एक ऐसी चीज जिसका नाम ना हो, तो मुझे लगता है आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ऐसी कोई चीज आपको मिलेगी नहीं जिसका कोई नाम ना हो। तो जब मैंने स्टूडेंट से पूछा कि कोई ऐसी चीज ढूंढ के दो जिसका कोई नाम ना हो, तो वो ढूंढ पाने में असफल रहे। और ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सबका नाम है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज फ्लोर, दिस इज रूफ, दिस इज बोर्ड, दिस इज मैन। और ये तो जो हमें दिखने वाली चीजें हैं, इनकी बात कर रहा हूं, फिजिकल अपीयरेंस वाली। लेकिन यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, दिस हैज गिवन नेम, ये साउंड है, इसको भी नाम दिया गया है, उसका भी नाम है। एक बूढ़ा आदमी अगर लकड़ी की आवाज के साथ कुछ इंटरवल्स में चल रहा है, तो कहते हैं स्टेकेटो साउंड ऑफ द ओल्ड स्टिक ऑफ द ओल्ड मैन, उसको भी नाम दिया है। चलिए चलते हैं आपके किचन में, जो आप ग्लास यूज करते हैं वो ग्लास नहीं है, वो टम्बलर है। वो तब तक ग्लास नहीं है जब तक कांच का ना हो। तो इस तरीके से जाने कितने नाम हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, और हर चीज को नाम दिया गया है, साउंड के नाम है, इन सब चीजों के नाम है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, क्या आपको याद है कि ये नाम आपको किसने बताया था सबसे पहले? या तो आपको किसी टीचर ने बताया होगा, या फिर परिवार से किसी ने, उनको किसने बताया होगा, उनको भी किसी तरीके से ऐसे ही पता चला होगा। और सबसे पहले जाने किसने यूज किया हो, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन, वी आर ओनली डूइंग वन जॉब, और वो ये है कि एक नाम को जान के रट लेना पूरी तरीके से। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है पहला पार्ट ऑफ स्पीच। दुनिया में जब भी भाषा बनी होगी तो सबसे पहले चीजों को नाम दिए गए, और नाम दिए गए तो उसी नाम देने को, यानी किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन बड़े मजे की बात है कि हमारे स्कूल में एक डेफिनेशन सिखाई जाती है, और जब भी मैं आपसे कहता हूँ कि व्हाट इज नाउन, यू ऑलवेज गिव द आंसर दैट नाउन इज द नेम ऑफ सम प्लेस और पर्सन और थिंग, फॉर एग्जाम्पल राम, गंगा, सीता, हिमालय, एटसेट्रा, फुल स्टॉप। आई एम सॉरी, ये डेफिनेशन करते करते हम लोगों का इतना नैरो नाउन के लिए एक व्यू हो चुका है, जो कभी पूरी तरह फैलने का या स्ट्रेच करने का इमेजिनेशन को मौका ही नहीं मिला। तो मैं आपको बताता हूँ कि नाउन कितना बड़ा है। मैं एक डेफिनेशन आपको अपनी ओर से देता हूँ, एवरीथिंग अराउंड यू इज नाउन प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो अब आप पूरे अचानक जो राम, गंगा, सीता, हिमालय था, वो मिलके इतना बड़ा रेंज बना रहा है कि दुनिया की हर चीज जो आपको दिखती है, जितना भी प्रेजेंट है इस दुनिया में, वो सब नाउन है। और इस तरीके से आपको अब नाउन ढूंढने होंगे, तो अपनी किचन में ही जितने नाउन ढूंढ लें अपने आसपास, तो आपको पता चलेगा अरे मुझे तो कुछ नाउन आते ही नहीं है, कुछ नाम आते ही नहीं है। तो बेसिक बात यही है, उस कढ़ाई में जिसमें सालों से हम खाना बनते देख रहे हैं, बहुत कम लोगों को पता होता है कि उसे कोल्ड्रन कहते हैं। मैंने जैसा अभी बताया कि बहुत कम लोगों को पता होता है कि टम्बलर, जिसको हम ग्लास कहते हैं, वो टम्बलर होता है। उस बेलन से जिससे आप रोटी बनते देखते हैं, उसे रोलिंग पिंस कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है, खुद गृहणियों को नहीं पता है।
तो हम लोग बेसिकली नाम तक नहीं जानते चारों ओर के, और बात करते हैं हम नाउन की। तो नाउन सबसे बड़ी चीज है भाषा की, और नाउन को जानना और बच्चों को सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है बचपन में। और हमारे वहां इंडियन सिनेरियो में बताऊं, बच्चों को रटाया जाता है बाबा ब्लैक शीप या जैक एंड जिल वेंट अप टू द हिल। अब ये बताइए आपका क्या सिनेरियो है, गांव का सिनेरियो, आप बच्चे को कह रहे हैं कि जैक एंड जिल, वो उन शब्दों से बिल्कुल अनभिज्ञ है। उनसे कहते हैं कि पोयम सुनाओ, और मेहमानों के सामने बच्चों को बेसिकली पोयम सुनवा के हम अपना घर उसे सीना चौड़ा करते हैं, और बच्चा नहीं सुना पाया तो उसे डांटते हैं। पोयम्स बच्चों को नहीं पहले सिखानी चाहिए, पहले बच्चों को उसके चारों ओर की चीजें पहचानना सिखाओ, उसके वर्ड सिखाओ, और जब वो वर्ड सीखेगा तो वो भाषा को जल्दी समझेगा। तो उसको पहले अपने चारों ओर के नाम ही आ जाएं छोटे बच्चों को नर्सरी और इसमें और शुरू की क्लासेस में, तो वही बहुत बढ़िया भाषा के साथ उसका विस्तार है। खैर, हम बात कर रहे थे नाउन की। तो नाउन जब सारी नाम दुनिया में आ गए तो वो इतने नाम हो गए कि अगर मैं पूछूं कितने नाम आपको पता है, तो नाम है इनफाइनाइट इस दुनिया में। तो उन सब नामों को, जैसे साइंस में स्पेसीज को कैटेगराइज किया जाता है, उन सब नाम को कैटेगराइज कर दिया गया, और उन कैटेगरी में नाउन इस तरीके से आपके सामने भाषा में निकल के आए, 5 तरीके के बेसिक नाउन। वैसे अब मॉडर्न इंग्लिश में बहुत तरीके के नाउन डिवाइड कर दिए जा चुके हैं, लेकिन बेसिक 5 ही हैं, बाद में औरों की भी बात करेंगे। तो बेसिक में आते हैं, तो आते हैं प्रॉपर नाउन 1, कॉमन नाउन 2, 3 कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन, 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब इन 5ों में मैं बारी बारी नाउन्स को उठाना शुरू करता हूं। इस पूरे वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी इनोवेटिव टेक्निक्स आने वाली हैं जो आपके नाउन का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देंगी। तो सबसे पहले मैं लेता हूं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके लिए मैं आपके सामने थोड़ी बातें करता हूं और कुछ कहानियों पे बात करते हैं, कुछ गप्पे मारते हैं थोड़ा। मान लीजिए मैं पहले दिन क्लास में आया और मैंने अपने आप को यूं इंट्रोड्यूस किया, हेलो माय स्टूडेंट, आई एम हैरी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश फ्रॉम टुडे। तो अब आप ये बताइए कि अगले दिन से बच्चे मुझे कौन सा टीचर कहने वाले, वो मुझे मेरे नाम कौन सा नाम पुकारने वाले। जाहिर सी बात है अगले दिन वो मुझसे कहेंगे कि हैरी सर, हाउ आर यू। लेकिन अगले दिन मैं फिर से एक गेम खेलता हूं और मैं कहता हूं, हेलो, कल मैंने आपको जो नाम बताया था वो झूठा था, आज मैं बता रहा हूं माई नेम इज टॉम। तो अगले दिन मैं आता हूं तो बच्चे मुझे किस नाम से पुकारने वाले, जाहिर सी बात है वो टॉम से पुकारेंगे। लेकिन तीसरे दिन फिर मैं कहता हूं, यस्टरडे आई वॉज जस्ट बिफूलिंग यू और आई वॉज प्लेइंग ए ट्रिक अपॉन यू, मेरा रियल नाम नागेंद्र है। तो अब तीसरे दिन वो मुझसे नागेंद्र कहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है, हैरी, टॉम और नागेंद्र, इन 3 दिनों में क्या मेरे अंदर कोई बहुत भारी परिवर्तन हुए हैं जिसमें मैं कभी हैरी लगने लगा, कभी टॉम, कभी नागेंद्र? नॉट एट ऑल। मैंने सिर्फ अपने को पहचानने के लिए 3 डिवाइसेस का यूज किया है और आपको दे दी 3 डिवाइस 3 दिन में, और आपने वही डिवाइस यूज करनी शुरू कर दी। तो बेसिक बात यह होती है कि प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर रिकॉग्निशन डिवाइस होती है, आपको पहचानने का सिर्फ एक यंत्र का काम करता है, जो या तो आप किसी को देंगे और या कोई और आपको देगा, और वो सिर्फ पहचान बताएगा आपकी। जैसे थोड़ा और एक्सप्लोर इलेबोरेट करते हैं कि सबसे पहले आपसे स्कूल में जब एडमिशन लेने गए थे तो क्या प्रश्न था जो पूछा था टीचर ने? तो टीचर ने बड़े प्यार से पूछा होगा, व्हाट इज योर नेम बेटा? तो आपने बोला था रोहित, और वो रोहित आपने बोला नहीं था, बल्कि आप समझ गए थे कि टीचर कह रही है बेटा किस यंत्र से पहचाने तुम्हें, तुमने निकाला जेब से रोहित, ये लो। पूरी क्लास ने तभी से तुम्हें क्या पुकारना शुरू कर दिया, रोहित। इसका मतलब एक डिवाइस ऐसी थी जिसको आपने सबको दे दिया और कहा ये है, इससे पुकारो मुझे। आप कहीं जा रहे थे, आपने पूछा इस नदी को क्या कहते हैं, एक किसी और ने आपको एक डिवाइस दे दी, कहा गंगा, तो आपको एक नया यंत्र मिल गया। तो प्रॉपर नाउन सिर्फ आपको पहचानने के लिए जो यूज किया जाता है वो डिवाइस है, और वो एक प्रॉपर रिकॉग्निशन डिवाइस होता है। लेकिन लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है जो मैं दूर करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, पहला कंफ्यूजन, उसको मैं अपनी पहली ट्रिक से दूर कर रहा हूं। प्रॉपर नाउन कभी भी चेंज किए जा सकते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे एक संदीप था बेचारा, और उसने यहां से किया पढ़ा लिखा, और वो कहीं बड़े मॉडर्न सिटी में पहुंच गया, बैंगलोर या मुंबई, और वहां उसने देखा सबके बड़े स्टाइलिश नेम है, तो उसने कहा
हेलो गाइस कॉल मी सैंडी फ्रॉम टुमारो, कल से मुझे सैंडी पुकारना। तो पूरी क्लास कल से सैंडी पुकारने लगी। यानी इतना आसान है चेंज करना अपनी रिकॉग्निशन डिवाइस को। मद्रास हुआ करता था हमारे जमाने में जब हम बच्चे थे, और फिर अचानक एक दिन वो चेन्नई हो गया, पूरी दुनिया ने चेन्नई कहना शुरू कर दिया। मुंबई हो गया बॉम्बे से। इसी तरीके से आपके हमारे शहर का नाम कल कुछ भी हो जाए वो कोई नहीं जानता। तो ये भी सब प्रॉपर नाउन है जिससे हम पहचान सकते हैं। आपका मेरा नाम कभी भी चेंज हो सकता है, तो प्रॉपर नाउन। तो सारे वो नाम जो चेंज किए जा सकते हैं वो प्रॉपर नाउन है। एक भले मानुस ने मुझसे पूछा, वो थोड़ा ज्यादा अलर्ट स्टूडेंट था, उसने कहा सर ताजमहल क्या है। मैंने कहा तुम बताओ, ताजमहल का नाम चेंज हो सकता है। लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी थी, उसने कहा सर नहीं, ताजमहल तो चेंज नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? अगर आप कोई दूसरा कंट्री यहां अटैक करे, और मान लिया किसी भी जगह अटैक करे और वहां ओवर पावर कर ले, तो क्या वो अपने हिसाब से उस बिल्डिंग का नाम नहीं रख सकता? यस, चेंज कर सकता है। तो ताजमहल इज ऑल्सो ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो भी चेंज किया जा सकता है। तो प्रॉपर नाउन वो सारे नाम है, अगर आपको पहचानना है तो सबसे बढ़िया चीज है कि चेंजेबल होता है। और ग्रामर के अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा से शुरू होता है, वो किसी की प्रॉपर रिकॉग्निशन डिवाइस है। लेकिन आज के जो इस लेक्चर है इसमें मैं आपसे सिर्फ दो नाउन डील करने वाला हूं, कॉमन और प्रॉपर। ये 60% आप सबको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा। और मैं दावा करता हूं जब आप एक कॉमन नाउन सुनेंगे तो ये दोनों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे डिफरेंस। यही डिफरेंस लोगों को नहीं आता बेसिकली। तो अब मैं चलता हूं आपको लेके कॉमन नाउन की ओर। तो चलिए एक और नई कहानी बोलते हैं। ये क्या है? एक मैंने एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको, ये क्या है? तो स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये पेन है। और मैं कहता हूं मैं बिलीव नहीं करता ये पेन है, बिकॉज आई डोंट बिलीव पीपल सो इजीली एंड आई डू माय ओन रिसर्च। मैं लोगों पे यकीन नहीं करता इतनी जल्दी। तो चलिए चलते हैं अमेरिका। आई वेंट टू अमेरिका विद दिस स्ट्रक्चर एंड आई आस्क द वेटर इन ए रेस्टोरेंट। एंड मैंने वेटर को बुलाया, पूछा हेलो सुनो आप इसे क्या कहते हो यहां पे? तो वेटर ने कहा कम ऑन सर दिस इज अ पेन, बट आई एम नॉट अमंग दोज पीपल हु बिलीव पीपल सो इजीली। तो मैं अंतरिक्ष में चला गया। एट दैट टाइम साइंटिस्ट वर बिजी देयर। कल्पना चावला तब जिंदा थी और वो वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट डू यू कॉल इट हियर? तो मैम ने बोला कम ऑन यू आर वेस्टिंग माई टाइम, इट इज ए पेन, बट आई एम नॉट अमंग दोज पीपल हु बिलीव पीपल सो इजीली। तो मैंने अगली रिसर्च गया मैं कोयले की खान पे, और मैंने मजदूरों से पूछा हे व्हाट डू यू कॉल इट हियर? उन्होंने कहा अरे भैया ये पेन है, यहां पर खतरा है, चले जाओ यहां से। बट आई एम नॉट अमंग दोज डैश डैश, मैं इतनी जल्दी तो बिलीव करता नहीं। तो मैं समुद्र के नीचे गया और मैंने गोताखोर से पूछा व्हाट इज इट? तो उसने कहा कम ऑन यू आर वेस्टिंग माई टाइम, आई एम ट्राइंग टू जस्ट सेलेक्ट और चूज और पिक अप द पर्ल्स फ्रॉम द सी और ओशन, एंड तुम ये पूछ रहे हो? जाओ यार ये पेन है। मैं दुनिया के हर कोने में इसे लेके घूमता रहा 2 साल, और क्योंकि मैं वो था जो लोगों पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं करता। और 2 साल बाद मैंने कहा अच्छा तो तुम पेन हो, और मैंने मान लिया कि ये पेन है। तो क्या सीखा इस स्टोरी से? ये स्टोरी साफ बताती है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे पूरी दुनिया के लोग कॉमन नाम से पुकारते हैं, चाहे वो कहीं भी हो वो इसे पेन कहते हैं। तो वो सारी चीजें आपके आसपास की जिसको पूरी दुनिया एक नाम से पुकारती है, कॉमन है, कॉमनली जानती है पूरी दुनिया, यूनिवर्सली जानती है उसको और उसी नाम से जानती है, वो होता है कॉमन नाउन। और ये बहुत आसान हो गया। अब मैं अगर पूछूं कॉमन नाउन आपके पास क्या है, तो ये बोर्ड। बोर्ड आपको पूरी दुनिया में सब लोग कॉमन नाम से जानते हैं, बोर्ड। चेयर, चेयर को हम भी वही बोलेंगे जो बाहर कोई भी बोलेगा। पेन, पेन को पूरी दुनिया पेन बोलने वाली है। अब देखिए कॉमन एंड प्रॉपर कितना शानदार तरीके से अलग हो गया। अगर मैं स्कूटर कहता हूं तो कॉमन, क्योंकि पूरी दुनिया स्कूटर कह रही है। लेकिन बजाज बोलूंगा तो बजाज एक प्रॉपर नाम है, क्योंकि कंपनी का प्रॉपर नाम है और वो कभी भी चेंज किया जा सकता है। कोई दूसरी कंपनी उसको टेक ओवर कर ले तो उस दिन से उसका नाम, लेकिन स्कूटर नहीं बदलने वाला है, ठीक है? तो स्कूटर कॉमनली नोन है। तो स्कूटर इज ए कॉमन नाउन, बजाज इज ए प्रॉपर नाउन, पेन इज ए कॉमन नाउन, लग्जर इज ए प्रॉपर नाउन, पायलट इज ए प्रॉपर नाउन। जैसे ही मैं कहूंगा कि कोई भी चीज अगर
किसी भी ब्रांड की ले लें आप, जैसे आप जीन्स कहें तो कॉमन नाउन और लेवाइस कहें तो प्रॉपर नाउन, तो अगर कैमरा कहें तो कॉमन नाउन और उसकी कंपनी का नाम कैनन, तो कैनन भी बदल सकता है कभी, वो हो सकता है निकॉन हो जाए, वो हो सकता है कुछ और, लेकिन कैमरा नहीं बदलने वाला है। सो कॉमन वो वर्ड्स होते हैं जिसे पूरी दुनिया कॉमनली जानती है, और प्रॉपर वो वर्ड होते हैं जो प्रॉपर रिकॉग्निशन डिवाइस होते हैं और कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड ये दो नाउन ऐसे थे और ऐसे हैं जिस पे ज्यादातर इंडियन स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, और आई होप कि ये जो है आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। कुछ ऐसे नाउन है जो दोनों तरीके से यूज किए जाते हैं, थोड़ा उसमें काफी डिस्कशन भी होते हैं, जैसे सूरज है सन, अगर वो एक इंडिविजुअल इस उसकी तरह होता है सन, पूरे एक ही सन उसे माना जाता है द सन, तो वो होता है आपका बिल्कुल प्रॉपर नाउन, लेकिन अगर वो स्टार्स के सेंस में यूज किया जाता है तो वो होता है कॉमन नाउन, ये दोनों में हो जाता है। ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जिनकी हम एनलिस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रॉपर और कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझा जाना चाहिए। आई होप कि मेटामॉर्फोसिस में जो हम टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरीके से हम इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं एकदम क्लियर बना के ग्रामर के अंदर, आई होप यू वुड लाइक इट। और ये आज के दो नाउन थे, कल हम तीनों नाउन जो है पूरे करेंगे और उसके बाद फिर हम एरर्स में जाएंगे, तो ये ग्रामर आपको पूरे इंटीग्रेटेड वे में मिलने वाला है। मेरा दावा है कि अगर आप मेरी सीरीज देखते हैं तो आपको फिर पूरे कहीं पर ग्रामर के ट्यूशंस या कोचिंग या किसी भी चीज के कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट में छह छह या सात सात वीडियो में काम करेंगे। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, बस एक आपका सपोर्ट चाहिए कि आपका सपोर्ट ही माई इंस्पिरेशन, एंड योर सपोर्ट इज माई इंस्पिरेशन। यू हैव टू शेयर इट एंड कमेंट करते रहिए, आप सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपके लिए लाता रहूंगा ग्रामर के मोती चुन चुन के। सो सी यू गाइस, फिर से मिलते हैं इन नागेंद्राज मेटामॉर्फोसिस। हैव अ नाइस डे।